मोहिनी जी का, उसके अंदर जो है देवेंद्र दुबे जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं उनकी पत्नी का, उसके बाद में जो है सीपी महोदय के द्वारा विजिट किया गया और उस वहाँ पे जो है निर्देश दिए गए समस्त टीमों को, और इसमें तकरीबन 6 टीमें लगी थी वर्कआउट करने के लिए। और जब वहाँ पे मौके पे 2 या 3 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे रहे तो कुछ एक चीज़ें प्राथमिक दृष्टि पे हमको समझ में आई वहाँ पे, या कुछ ऐसी लीड्स मिली जिसको हम लोगों ने फॉलो किया, हमारी टीम्स ने फॉलो किया। और वो फॉलो करने के बाद में जो है हमारे को जब पूछताछ के लिए 2-3 संदिग्ध हमने इसमें लिए तो हमको ये पता चला कि इसमें कोई ना कोई इंसाइडर इन्वॉल्व है। उसी के आधार पे उन्हीं को लीड्स को फॉलो करते हुए जो है आज उसमें 3 गिरफ्तारियां हमारे लखनऊ पुलिस ने की है। इसके अंदर एक अखिलेश यादव है, एक उसका भाई जो है रवि यादव, और एक है रंजीत। ये तीनों जो है इनकी गिरफ्तारियाँ हुई है, और इनके पास में से जो वहाँ पर लूट में प्रयुक्त जो पेचकस था वो, और उसके अलावा जो DVR है जो वो लेकर के गए थे वो, और उसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में जो जेवरात थे उनकी रिकवरी हम लोगों ने की है, और जो स्कूटी का उन्होंने प्रयोग किया था आने और जाने के लिए उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और इसके अंदर जो है जब पूछताछ गहनता से की गई वहाँ पे अखिलेश से और इसमें जो भाई इसका रवि और रंजीत से है, तो ये पता चला कि ये 13 साल से उनके यहाँ पे दोनों नौकरी कर रहे थे, ड्राइवर की और घरेलू काम में सहायता करते थे। उसी के आधार पे जो है अभी अखिलेश जो है उसको TB की बीमारी डिटेक्ट हुई थी, उसमें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसमें उसको काफ़ी रुपया जो है अभी उसको लेना पड़ा था कुछ लोगों से तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब में, जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। उसी के आधार पे इसने रंजीत के साथ में और रवि के साथ में मिलकर के प्लान बनाया। रंजीत के ऊपर भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्ज़ है, इनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, उसमें भी इनके काफ़ी रुपये लगे थे। और जो दुबे जी थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि उसकी शादी में इनकी मदद करेंगे, परंतु उन्होंने केवल 21,000 रुपये दिए थे, तो उसके कारण भी एक कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थी कि उसको जो कमिट किया गया था वो नहीं दिया गया था। उसी के आधार पे उन्होंने लूट के लिए प्लानिंग बनाई। उसमें ये हुआ कि रवि जो है सुबह देवेंद्र दुबे जी को गोल्फ खिलाने के लिए लेके जाएगा, और जब उसी दिन जो है छुट्टी भी उनके यहाँ पर जो मेड आती थी सरिता, उसकी छुट्टी भी थी, तो उस समय कोई नहीं रहता। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहले रवि गया उनको लेकर के, तो वहीं पे बाहर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में वो स्कूटी लेके गए हैं ऊपर जो है अखिलेश गया है, उसने जा कर के, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी लीड हमको मिली थी वो ये थी कि जो मृतका थी वो कभी भी दरवाज़ा तभी खोलती थी जब वो पहले पहचान करती थी कि बाहर कौन है, एक जाली का दरवाज़ा वहाँ पर है वो पहले देखती थी। तो उसी के ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीड थी हमारे को पता करने के लिए। उसी पे जब ये अखिलेश गया है तो उसने बोला कि वो एक और लड़के को लेकर के आया है काम करने के लिए, ये दोनों वहाँ पे अंदर घुसे हैं। उसके बाद रवि जो है एज अ नया लड़का गया था काम करने के लिए, उसने पांव चरण छुए, उसके बाद में एक ने उनको पीछे से पकड़ लिया और दूसरे ने पेचकस से वार किया, और उसके बाद में चुन्नी ला करके गला घोट करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में क्योंकि अखिलेश जो है वो 13 साल से इनके यहाँ पे घरेलू काम कर रहा था, और उसने समय समय पर देखा था कि जेवरात और अन्य जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं वो घर पे कहाँ रहती है और चाबी के गुच्छे कहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे हमको मौके पे काफ़ी चाबी के गुच्छे मिले थे, और चाबियों को ही यूज़ करके अलमारियाँ खोली गई थी। तो उससे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी कोई ऐसा अंदर का कोई व्यक्ति है जिसको इसकी पूरी जानकारी है। उसके बाद में इन लोगों ने तकरीबन 40 से 45 मिनट उस पूरे घर में उन चाबी के गुच्छों से अलमारियां खोली, और जो कीमती सामान था उसको एक स्काई काले रंग का बैग था उसके अंदर डाला, CCTV DVR को जो है वहाँ से हटा करके अपने बैग में डाला, और उसके बाद में वो स्कूटी लेकर के और वो जो है अपने अपने गंतव्य स्थान को अपने घरों की तरफ चले गए। और उसके बाद में जो है अखिलेश ही वापस आया, रवि ने अखिलेश को फ़ोन किया, अखिलेश वापस आया, अखिलेश ने चौकी पे जा करके नंबर लिया, चौकी प्रभारी को सूचित किया। उसके बाद में जो दुबे जी हैं जो हमारे वादी भी हैं उनके साथ में ये साथ में ही रहे ये देखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर पुलिस कोई लीड पे पहुंच रही है तो क्या कर सकते हैं। जब इसी तरह से हम लोगों को ये पूरा घटनाक्रम इन लोगों ने बताया है, इसमें वही मैं आपको जो बता रहा हूँ 3 गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने की है, अखिलेश यादव की, रवि यादव की और रंजीत की।
और बरामद की तकरीबन हमको 1 करोड़ के अंदर इसके अंदर जेवरात मिले। इसमें डायमंड्स के ज़्यादातर जेवर हैं जो डायमंड्स के हैं। उसके अलावा फॉरेन करेंसी थोड़ी बहुत हमको मिली है जिसमें US डॉलर्स हैं तकरीबन 100 वैल्यू के 15 US डॉलर्स हैं, सिंगापुर डॉलर्स हैं, मलेशियन है करेंसी है। ये सारी चीज़ें हमारे को काफ़ी भारी मात्रा में उसकी रिकवरी हुई है। इनके 2 मोबाइल मिले हैं और जो स्कूटी जो इसमें यूज़ हुई थी वो हमारे को मिली थी। इसी के दौरान जो है अभी जब उसको रिकवरी कराने के लिए DVR और उसकी रिकवरी करवाने के लिए अखिलेश को ले जाया जा रहा था तो उसके कुकरेल के पास में बंदे के पास में उसने वहाँ पे बैग छिपाया था जो स्काई वाला बैग था काले वाला जिसमें DVR भी था और CCTV भी था। उसमें जब पुलिस ने उसको वहाँ पे रिकवरी के लिए लेके गए तो उसमें बैग में से एक तमंचा उसके पास रखा हुआ था जो इनके पास में था उसके उसमें से उसने निकाल करके पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई में उस फायर किया तो उसके जो है पाँव में गोली लगी है। उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है चिकित्सा के लिए और बाकी जो रवि और रंजीत हैं वो अभी हमारे पास में है और इनको तीनों की जो है अभी कस्टडी रिमांड ली जाएगी।